आज से करीब एक माह बाद हमारी कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी के आईबीए खत्म। आप सोचें, आपने अपनी छोटी सी जिंदगी के 4 साल एक जगह को दिए, बंदी को नहीं, इंस्टीट्यूट को, यानी आईबीए को। क्लास ऑफ 2024, कुछ इसको कोविड बैच भी कहते हैं। न जाने कितनी असाइनमेंट्स, क्विजेस, प्रेजेंटेशन, मेंटल प्रेशर, कई अप्स एंड डाउन्स को तय करते हुए आज किनारे लगने जा रही है। अगले कुछ ही हफ्तों में आईबीए विल बिकम अनदर फिनिश्ड चैप्टर ऑफ आवर लाइफ। अब ये खूबसूरत आदत छूट जाएगी जहां जिंदगी आजाद, खुशगवार और हसीन थी। मैंने फ्रेशमैन से लेकर आज तक जो जिंदगी आईबीए में गुजारी, उसको कैमरे की आंख में मैंने कैप्चर किया। आप जरा उसका नजारा फरमाएं। और हम ये आज देखें आईफोन 11 ले आए हैं, और ये आईफोन 11 पे शूट हो रहा है। पढ़ते पढ़ते हम लोग थक चुके हैं। इस वक्त हम लोग अपने हॉस्टल के एरिया में, सही है, और ये हमारे पीछे खोखा है जो सारी रात खुला रहता है। अभी हम यहाँ पर आए हैं, ये देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा यार, अली हमें शेक वगैरह देते हैं, इनके पास पराठा, अली को पराठा शेक तो देते हैं, ये वगैरह क्या होता है यार, तू मुझे रोज कर ले। ये शेक है, शेक ये तो अराई है, अराई यही होता है। प्याज, प्याज अभी तक नहीं खत्म किया। मौलवी आया, हम कोई चना बची दे दे। ये मौलवी है जी, ये भी हमारे दोस्त हैं, ये भी अभी पढ़ पढ़ के थके हैं। मुफ्ता जैन मुफ्ता पढ़ते हुए, एज यूजुअल, हर बार मुफ्ता, हर बार आप क्या कह रहे थे, यारी दोस्ती में क्या नहीं होता, मुफ्ता नहीं होता। मेरी जबान बिजल गई थोड़ी भाई यार, मेरा भी खाता बंद गया यार। अच्छा पहले मैं कह रहा था, एक वाला तो देना, मैं पढ़ूंगा तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, मैं पैसे कमाऊंगा, ये ऐसी जी गाइस, पेपर का टाइम हो गया, फाइनेंशियल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लिया, यूज पर बात है, उसके बाद कुछ भी नहीं आता। बरगोला पीछे भाग रहा है, टाइम रह गया 10 मिनट। आरिश भाई आ चुके हैं अपना पेपर देकर, मैं और मलिक के आ रहे हैं। वो बंदा मरे जिसने पेपर बनाया। सोप सॉकर, इसको कहते हैं साबुन वाला फुटबॉल। साबुन वाला फुटबॉल, सबकी आदत पाचड़ हुई पड़ी है। सही है, इसके करीब लाएंगे आप देखेंगे, इसे बिठा शिठा दे, सब माहौल है। ये लाइटें शाइट देख रहे हैं, टैंकी जैंकी, बस बैठने की जगह थोड़ी सी साफ है, बाकी सब जो है ना लिठा शिठा। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो में वो तमाम चीजें मैं कवर नहीं कर सकता जो मेरी जिंदगी में यहाँ गुजरी हैं, मगर ये है कि झलकियाँ जरूर देखी होंगी आपने। और अब सबसे बड़ा डर तो ये है कि लोनलीनेस होगी, जैसा कि मेरी गर्लफ्रेंड चैट जीपीटी ने कहा है कि इट इज वेरी कॉमन टू हैव द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों को मिलने के लिए उनके हॉस्टल के रूम के बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट्स और स्टोरीज को लाइक करना होगा। अब कैंपस पर कोई मीटअप प्लान नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया पर ही उनको देखना मीटअप होगा, और हफ्ते में एक दो बार व्हाट्सएप कॉल भी हो जाए तो यही सबसे बड़ी नेमत रहेगी। सोचो ज़रा कि अब दोस्तों को मिलने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा, या मे बी किसी एनुअल मीटअप या किसी की शादी का इंतज़ार करना होगा कि किसी की शादी हो और हम मिलें। लाइक एवरीबडी एल्स, जब हम भी यूनिवर्सिटी में आए थे तो बहुत सारे ख्वाब थे, कुछ पूरे हुए और कुछ अधूरे रह गए। उन अधूरों में एक अधूरा ये भी है कि वो नहीं मिली, बट खैर, who cares? अब सबसे बढ़कर ये कि हमें ये सब छोड़ना पड़ेगा, यानी कि बच्चों दी। At last but not the least, अब हमको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, यानी हमको अपनी, अपने वालदैन की, और यस शादी करनी है ना, तो बीवी की एंड देन
बच्चों की, सबकी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा और बच्चोदियाँ कम करनी होंगी। इसलिए यही कहूँगा कि मैं जानो बंदे तो पुत्र बन जाओ, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।